पुलिस के द्वारा ऐसे गांव वालों का रोजगार छीना जा रहा है। तो ये चौथा तुंगनाथ के व्यापारियों पर एक बार फिर से यहाँ पे अतिक्रमण के रूप में जिन उत्तराखंड की वो जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ, चोपता। और यहाँ जो तुंगनाथ घाटी है उसके अलग अलग यात्रा पड़ावों पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को आज लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, महिलाओं ने जेसीबी मशीनों पर चढ़कर अतिक्रमण हटाने का कड़ा विरोध किया। साथ ही सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देख टीम बैरंग वापस लौट गई। इस दौरान व्यापारियों, महिलाओं, गांव वालों और प्रशासन के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। आपको जानकारी दे दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को तहसील, पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ तुंगनाथ घाटी में अतिक्रमण हटाने के लिए बक्कू बैंड पहुंचे, लेकिन वहां पहले से मौजूद सैकड़ों व्यापारी, गांव वाले और यहां की महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने का पुरजोर विरोध कर दिया। धरना देखकर प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गए। व्यापारियों और ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ सरकार पर्यटन, तीर्थाटन व्यवसाय को बढ़ावा देने का ढिंढोरा पीट रही है, तो दूसरी तरफ सालों से यात्रा पड़ाव पर व्यवसाय कर रहे युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों की तरफ से लगातार रोजगार और पर्यटन नीति बनाने की मांग की जा रही, लेकिन सरकार इस पर मौन है। विरोध कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चारधाम यात्रा का संचालन युगों से हो रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से भी युगों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, फिर भी स्थानीय हकदारों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। व्यापारियों और गांव वालों का कहना है कि प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में तुंगनाथ घाटी के व्यापारियों और युवाओं का पक्ष रखने की पहल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी मिली कि जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त पुलिस, तहसील प्रशासन और वन विभाग, ग्रामीण, महिलाओं और व्यापारियों के बीच काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही थी और इस वजह से जेसीबी मशीन को हल्का नुकसान भी पहुंचा। टीम अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाई। महिलाओं ने चौतरफा उन्हें घेर लिया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद SDM जितेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों और व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि या तो व्यापारी कोर्ट में अपना पक्ष रखें या फिर व्यापारियों का शिष्टमंडल तहसील प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे। बीच का सुझाव निकालने के बाद ही कोर्ट के आदेशों का पालन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।